हमारे जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है? सत्संग है क्या? आप सब लोग, आप लोगों में बहुत से लोग कभी न कभी किसी न किसी तीर्थ की यात्रा भी किए होंगे, और कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा से पाप कटते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार के पूजा पाठ भी करते होंगे, व्रत नियम का पालन भी करते होंगे। तो वास्तविक तीर्थ क्या है और पाप क्या है जो तीर्थ में नहाने से, तीर्थ यात्रा करने से भूल जाते हैं, कट जाते हैं? पूजा हम करते हैं जरूर, अनेक लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा क्या है? हमारे जीवन में पूजा का क्या महत्व है और क्या प्रभाव पड़ता है? व्रत, अनेक प्रकार के व्रत का विधान है, और व्रत रहने से भी कहा जाता है कि पाप करते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, स्वर्ग मिलता है। व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वास्तविक व्रत क्या है, थोड़ी चर्चा इन बिंदुओं पर। किसी संत ने चार पंक्तियां कही हैं, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, नाशत दुर्गुण लागे न बारा। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, और जो व्रत झूठ पसारा, पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेम न टारा। तीर्थ, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। तीर्थ क्या है? जो हमें पाप से तार दे, तारने वाले को तीर्थ कहा जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, और ऋग्वेद में भी तीर्थ शब्द आया है। तीर्थ का अर्थ होता है रास्ता, मार्ग, घाट। जैसे आज अनेक तीर्थ हैं, ऐसे तीर्थ प्रायः पुराने जमाने में नहीं थे। प्राचीन ग्रंथों में इनकी चर्चाएं बहुत कम आती हैं। धीरे धीरे तीर्थ बनते गए। तीर्थों का निर्माण कैसे हुआ? डॉक्टर वामन काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है 5 खंडों में, बहुत विस्तृत। उसमें उन्होंने अनेक कारण बताया है कि तीर्थ कैसे बनते हैं। किसी महापुरुष का जहां जन्म हुआ है, आगे चल करके उस जगह को तीर्थ मान लिया गया। किसी महापुरुष ने, संत ने कहीं बैठ करके त्याग तप साधना किया है। किसी महापुरुष का जहां कहीं पर शरीरांत हुआ है, इन आगे चल करके इन सभी जगहों को तीर्थ मान लिया गया। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी महापुरुष से जुड़ा होता है, तो जो व्यक्ति जहां जिस महापुरुष से जुड़ा है
तो स्वाभाविक ही उसके मन में अपने गुरु उपनिष्ट के लिए के जन्म स्थान, साधना स्थान और सरांत का स्थान पवित्र हो गई। वहाँ लोग यहाँ जाते ही हैं, जहाँ जाने से उनकी याद होती है, उन जगहों तीर्थ मान लिया गया। दो नदियों का जहाँ संगम हुआ उसको तीर्थ मान लिया गया, या पर्वती स्थल जहाँ मनोरम है जगह है मोहक जंगल कहते कुछ जगह, उनको तीर्थ मान लिया गया। वहाँ जाने से मन में एक प्रसन्नता आती है, अच्छे संस्कार बनते हैं, धीरे धीरे तीर्थों की महिमा बढ़ी। और ये कहा जाने लगा कि जो आदमी अमुक तीर्थ की यात्रा करेगा उसका ये पाप कटेगा, वो पाप कटेगा, वो पाप कटेगा, महिमा बढ़ा दी गई। अब लोग पाप काटने के लिए जाते हैं, लेकिन पाप क्या है और तीर्थ क्या है? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ वह है जो हमें पाप से तार दे, पाप से मुक्ति दे दे। किंतु पाप क्या है? दुनिया में सर्वथा निष्पाप कुछ लोग ही हो सकते हैं, होते हैं, जिन्हें हम संत सद्गुरु जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। हर आदमी पापी है एक प्रकार से देखा जाए तो। कुछ बड़े पाप होते हैं, चोरी, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, डाका, आगजनी, ये बड़े पाप हैं। और इन पापों करने वाले लोग हैं, थोड़े लोग हैं। लेकिन पाप ये चोरी, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, आगजनी, राहजनी, मिलाबाजी, इतने पाप नहीं हैं। कहने वाला कहता है हमारे मन के जो विकार हैं वो पाप है। पाप वही मन मध्य विकारा। विकार किसे कहते हैं? जिस भाव के आने पर, जिस विचार के आने पर, जिस चिंतन के आने पर हमारा मन उत्तेजित हो जाए, इंद्रियां चंचल उत्तेजित हो जाए, बहिर्मुख हो जाए, आदमी अपने आप में न रहने पाए, अशांत, पीड़ित, तनावग्रस्त हो जाए, वो सब का सब पाप है। वो देखना, वो सुनना, वो खाना, वो सोचना, विचारना, वो काम करना, सब का सब पाप है। सोचें कि ऐसा पाप हमारे मन में तो नहीं है। बाहर से हम बढ़िया सुंदर सफेद कपड़ा पहन लिए हैं, ऊंची गद्दी पर बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह लेते हैं, हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए घृणा, बैर विरोध का भाव तो नहीं है। किसी की वस्तु को देखकर मन में लोभ लालच तो पैदा नहीं होता। किसी युवक युवती को देख करके मन में कुछ चिंतन तो नहीं आया, तो पाप हुआ। अब सोचें कि इन पापों से हम अपने को कितना बचा करके रखे हैं। हमारे सामने कोई व्यक्ति आकर, किसी संत, किसी सज्जन या भगत की बड़ी प्रशंसा किए और प्रशंसा को सुनकर मेरा मन दुखी हो गया, मन में ईर्ष्या आ गई, तो मैंने पाप कर लिया। किसी का अच्छाई को सुनकर, किसी की प्रशंसा सुनकर मन का दुखी होना पापी मन का पहचान, पापी मन की पहचान है। किसी के दुख के बारे में सुने,
किसी की निंदा सुने। अब ये सुना कि अमुक व्यक्ति का ऐसा घाटा हो गया, उसके परिवार में अमुक की मौत हो गई, अमुक की नौकरी या उसके बेटे की नौकरी छूट गई, मतलब जो कुछ दुखद घटना, इसको सुन करके हमारा मन खुश हो गया, अच्छा हुआ, तो हमने पाप किया। सोचे ऐसा पाप होता है मन में या नहीं होता है? चोरी नहीं करते, हत्या व्यभिचार बलात्कार नहीं करते, किसी की अच्छाई सुन करके मन का दुखी होना, किसी की बुराई सुन करके मन का प्रसन्न होना पापी मन की पहचान है। कैसे कहीं हमारा मन ऐसा पापी तो नहीं है? बिरले बिरले बच्चा हो गई इस पाप से, काम की भावना, क्रोध की भावना, लोभ की भावना, इतना ही ये विकार नहीं है। निरंतर हम किसी के लिए द्वेष पाले रहते हैं, बैर विरोध की भावना पाल कर रखते हैं, यही तो पाप है। और ये पाप हमें ही अंदर अंदर खाता रहता है। सारी सुविधाएं मिली हुई है, फिर भी बराबर नींद क्यों नहीं आती? क्यों चिंता से भरा है मन? क्यों तनाव से भरा? क्यों उद्वेगित है? कोई ना कोई पाप है मन में। पाप वही मन मध्य विकारा, मन का विकार, जिस भाव के आने पर, जिस विचार चिंतन के आने पर मन चंचल, बहिर्मुख, उत्तेजित, पीड़ित, परेशान हो जाए, वो सब पाप है। हर आदमी को सावधानी पूर्वक, बारीकी के साथ अपने मन के इस पाप को समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए कहा जाता है, समय निकाल करके, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अकेले समय निकाल करके थोड़ा देर बैठो और अपने मन को देखो कि मन की दशा क्या है। मन में कुचिंतन, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध तो नहीं आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो ग्लानी करें, पश्चाताप करें, सावधान हो जाएं, फिर निरंतर अभ्यास करते करते ये सब दूर होते जाएंगे। तो तीर्थ अर्थ होता है तारने वाला। किसे तारने वाला? पापों से तारने वाला। और पाप क्या है? पाप है मन के विकार। अब ये मन के विकार रूपी जो पाप हैं, गंगा में आने से धुलेगा कि जमुना में, गोदावरी में, नर्मदा में, के महानदी में, कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, कन्याकुमारी में नहाने से धुलेगा? वहां जाएं, जाने के लिए मना ही नहीं है। जिनको जितना अवसर हो आप तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन वहां जाएंगे तो पाप कट जाएंगे? धोखा है। अनेक लोग हैं, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, बैद्यनाथ धाम, गुवाहाटी कामाख्या देवी के मंदिर, ये देवी वैष्णव देवी मंदिर, सब जगह आ गए, लेकिन तंबाकू रगड़ना छूटा नहीं है अभी, झूठ बोलना छूटा नहीं, गाली देना, क्रोध करना, लोभ करना छूटा नहीं, कहाँ पाप छूटा? जाएं, लेकिन किसी तीर्थ में जब जाएं तो अपने मन के कोई विकार को समर्पित करके आ जाएं वहां पर, तो पाप छूटेगा कहां? सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, नाशत दुर्गुण लागे न बारा। जिस तीर्थ में स्नान करने से, निमज्जन करने से पाप, मन के विकार रूपी पाप छूटते हैं, वह तीर्थ है सत्संग, संतों की संगत। और संत किसी भी मतपंथ संप्रदाय के हों, जहाँ ज्ञान की, विवेक की, विचार की चर्चा होती है, जीवन निर्माण की चर्चा होती है, वो सब सत्संग है। चाहे दो ही आदमी बैठ करके कर रहे हों, चाहे 2000 और 2 लाख बैठ कर रहे हों, जहाँ तक अच्छी प्रेरणा मिले,
एक जागृति आ जाए, अपने दोस्तों के लिए पापों के लिए ग्लान ही पैदा होकर के छोड़ने की भावना आ जाए, वो जगह सत्संग है। और सत्संग में जब एक बार पाप धुलता है, धो लिया गया, तो दोबारा आता नहीं है। अब कोई सत्संग तो बाहर बाहर से कर रहा है, आता तो है, बस खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ऊँघ रहा है, तो उसका पाप नहीं कटेगा। अब सब जगह जाएं, लेकिन पाप को छोड़ करके जाएं। गंगा नहाते हैं नहाए, गुजारी नहाए, नर्मदा नहाते हैं नहाए, लेकिन वहाँ नहाने से शरीर धुलेगा, मन का मैल नहीं धुलेगा। किसी ने बढ़िया बड़ा बढ़िया व्यंग किया है, अब व्यंग क्या है, हकीकत है। चलो गंगा नहाने गए, गंगा में नहाए, पाप धुल गए। अब नहाने के पश्चात क्या होता है, उसी जगह से एक बोतल में या एक डिब्बा में पानी भर करके ले आए। जब आप गंगा में नहाएं, आपका पाप भूल गया गंगा पानी में, वही पाप धुला पानी फिर ले आए, अब पी लिए, फिर पाप भीतर चला गया। यही करते हैं ना आप लोग, अरे जहाँ के तहाँ कहाँ कटा। गंगा जाएं, जहाँ जाएं, वहाँ जाएं, नहाएं, मैं हम मना नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविक तीर्थ सत्संग है, जिसमें जब एक बार पाप धुलता है तो फिर वो पाप दोबारा जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता है। सत्संग का अर्थ ही होता है जहाँ सत्य की चर्चा होती हो, जीवन निर्वाह की चर्चा होती है। व्रत वही जो पूरे कर्म त्याग हो, और जो व्रत सो झूठ पसारा। व्रत अनेक प्रकार के व्रत का विधान किया गया है, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, या गुरुवार का व्रत, शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, अनेक देवताओं के लिए अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग दिन, सोमवार के दिन संतोषी माता का है, मंगलवार दिन हनुमान जी का है, गुरुवार के दिन गुरु का है, शुक्र, ऐसे अलग अलग दिन है, ठीक है। रोज खाते हैं, खाते खाते पेट भारी हो जाता है, एक दिन नहीं खाए पेट हल्का हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है, यह है। लेकिन अमुक दिन ये व्रत करेंगे तो पाप कटेगा, अमुक दिन व्रत ये व्रत पाप कटेगा, भूखा रहने भैया पाप नहीं करता। और जहाँ तक व्रत की बात है, पुरुषों के लिए व्रत का विधान कम किया गया है। ज्यादातर व्रत तो ये देवियाँ रहती हैं, माताएं रहती हैं, ये व्रत तो वो व्रत तो वो व्रत। अभी दीपावली आ रही है, 15 है, इसके बाद आता है करवा चौथ का व्रत। सुहागिन महिलाएं व्रत करते हैं, और चलनी में चंद्रमा देखते, पता नहीं क्या होता चलनी देखने से, तो क्यों व्रत करती है, कि जन्म जन्मांतर में वो पति मिले। अरे एक जन्म तो लड़ लड़ करके बिता रही हो, का जन्म जन्मांतर तक लड़ते रहना है क्या वही पति से। कुछ लोग कुछ देवियां कहती है, साहब करवा चौथ का व्रत महिला के लिए रखती है कि अगले जन्म में अच्छा पति मिले, इनको इनको गलत पत्नी मिले, इसलिए ये लोग व्रत नहीं करते हैं। महिलाओं को अच्छा पति चाहिए और पुरुषों को झगड़ालू पत्नी चाहिए, इसलिए यहां व्रत नहीं करवा चौथ का। ये तो एक सिस्टम बना दिया गया, कुछ नहीं होने वाला है इससे, रहते हैं रहें, क्या फर्क पड़ता है इससे। व्रत रहने से, एकादशी का व्रत रहोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप कट जाएगा। भूखे रहने से पाप नहीं कटता है,
भूखे रहने से पाप करता तो अनेक भिखारी और गरीब लोगों के पाप तो कब सिकट गए होते। और दुर्भाग्य तो ये है, व्रत रहते हैं, कई लोग मिलते हैं, कभी कभी आश्रम में आते हैं, बाहर जहां भ्रम हो तो वहां भी मिलता, भोजन का समय होता है, कहा जाता है मिलने के लिए आए हैं, कहा चलो भाई भोजन का समय है कि महाराज आज तो मंगलवार है, आज आता तो शनिवार है, हम तो आज गुरुवार है, एकादशी है, आज तो व्रत है, आज भोजन नहीं कर सकते। ठीक है भाई चलो, आपकी भावना है, उस दिन भोजन नहीं करेंगे लेकिन रगड़ करके 5-7 बार तंबाकू खा लेंगे, बीड़ी पी लेंगे, तो अरे कम से कम उस दिन तो तंबाकू ना खाओ, बीड़ी ना पियो या कुछ ऐसा ना करो, इनको छोड़ दो तो व्रत हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आप 5 बार भोजन करो लेकिन बीड़ी पीना छोड़ दो, आपका पाप कट गया, पुण्य हो गया। लेकिन ये भूखा रहना, भूखे रहने से शरीर को लाभ होगा, पाप नहीं कटेगा। ये देवियां बैठी हुई है, इनके मन में बड़ी ममता होती है, देवियां माताएं ममता की मूर्ति कहा गया है। अरे कहा गया है माँ की ममता से गहरा हो ऐसा सागर दुनिया में कहीं और को है, दूसरा है ही नहीं। माँ की ममता बहुत गहरी होती है। कोई माँ है उसके सामने उसका एक छोटा बच्चा भोजन नहीं किया है और भूख से परेशान है, पीड़ित है, अपने बेटे को चाहे वो व्रत के नाम पर भूखा हो या जैसे भूखा हो, अपने सामने अपने बेटे को भूख से परेशान देख करके कोई माँ खुश नहीं हो सकती और होती भी नहीं है। माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा भूखा मरे। जब आप इंसान हैं, आपके मन में ममता है और आप नहीं चाहती कि मेरा बेटा भूखा मरे, भूख से परेशान हो, तो लोग ये मानते हैं कि भगवान सबका पिता है, तो जब पिता है तो आपको भूखा देकर भगवान खुश कैसे होता होगा। आप अपने बेटे को भूखा देकर खुश नहीं रह सकती तो भगवान कैसे खुश होगा, आपको भूखा देख करके पाप कैसे काटेगा वो, थोड़ा सा विचारना। लेकिन मैं कहता हूं व्रत रहने से पाप करते हैं, लेकिन किसका व्रत करना है ये सोचना होगा। और हर आदमी को, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, साधु का तो काम ही है, गृहस्थों को भी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जवान हो या बूढ़ा, रोज व्रत करना चाहिए। रोज व्रत करने की आवश्यकता है, रोज। आप कहोगे कि साहब रोज व्रत करेंगे तो काम धाम कैसे चलेगा, काम धाम बहुत बढ़िया चलेगा। लेकिन किसका व्रत करना है, सुबह उठो और ये व्रत करो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, चाहे जो भी स्थिति हो जाए आज मैं, मुझे क्रोध नहीं करना है। किसी सोचो कि आज मेरा लोभ का व्रत है, कुछ भी हो जाए मुझे लोभ नहीं करना है, कोई मुझे गाली भी दे दे, मार भी दे, नुकसान भी कर दे, मुझे गाली नहीं देना है किसी को। किसी दिन बताया, किसी दिन क्रोध का व्रत, किसी दिन लोभ का, किसी दिन मोह का, किसी दिन ईर्ष्या का, किसी दिन विरोध का, किसी दिन गाली का, किसी दिन निंदा का व्रत करके देखो, पाप कट जाएंगे आपके। कभी ऐसा व्रत किया है, बताता भी कोई नहीं है।
व्रत करना है इसका व्रत करो, रोज करो रोज। इसी प्रकार से इनको छोड़ने के लिए, इसी प्रकार से इसके विपरीत किसी दिन दया का, क्षमा का, प्रेम का, समता का, एकता का, आज मुझे सबके साथ मीठी वाणी में बात करना, सबके साथ क्षमा का व्यवहार करना है, सबके लिए दया का व्यवहार करना है, सबके साथ करुणा का व्यवहार करना है, उदारता का व्यवहार करना है, समता का व्यवहार करना, इसका व्रत करो। एक तरफ जो दोष दुर्गुण हैं इनको छोड़ने के लिए व्रत करना है, और दूसरी तरफ जो सद्गुण हैं, दया, क्षमा, सत्य, धीर, विवेक, विचार, इनको ग्रहण करने के लिए व्रत करना है। जितना व्रत करेंगे उतना जीवन के पाप करते चले जाएंगे, इसी जीवन में स्वर्ग मिल जाएगा, मरने के बाद तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इस व्रत की बात कोई पंडित पुरोहित महात्मा गुरु लोग नहीं बताते हैं, वास्तविक व्रत यही है। चाहे जो हो जाए मैं गलत काम नहीं कर सकता, ये व्रत है। चाहे जो हो जाए मैं झूठ नहीं बोल सकता, शरीर भले नष्ट हो जाए सत्य का धर्म का त्याग नहीं कर सकता, वास्तविक व्रत यह है। और पाप इसी से कटेंगे। व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग हो, जितनी बुराइयां हैं सारी बुराइयों का त्याग व्रत, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग जीवन निर्माण का स्थल है ना। क्यों आए हैं यहां पर? आप आए हैं तो एक व्रत लेकर के जाएं कि यहां से जाने के पश्चात अपने घर में मैं सबसे प्रेम का व्यवहार करूंगा, कोमल मीठी वाणी में बात करूंगा, उदारता का, सेवा का, समता का व्यवहार करूंगा, कोई ना कोई जो दोष मेरे जीवन में है उसका त्याग कर करके मैं यहां से जा रहा हूं, फिर देखो आपके सत्संग में आने का कितना सुंदर फल मिलेगा और आपके घर वाले कितने प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उन्हें भी लगेगा कि नहीं, सत्संग में गए तो जीवन में कैसा सुधार होता है। 3 दिन क्या सत्संग है, आप यहां आए हैं, 2 दिन पहले चले, 3 दिन यहां रहे, जाने में 1 दिन 2 दिन और लग जाएगा, 5-6 दिन का समय हुआ। अभी आप, आपके घर में कोई जाए और आपके लिए पूछे, आपका नाम लेकर के कहां गए हैं, आपके घर वाले बड़ी प्रसन्नता से कहेंगे वो तो प्रयागराज और अयोध्या गए हुए सत्संग करने के लिए। सुनने वाले को लगेगा अच्छा भाई बड़ा सत्संगी आदमी है, धार्मिक आदमी है, प्रयागराज और अयोध्या सत्संग करने के लिए गए हैं। घर वाले बताने में खुशी होती है, सुनने वाले को खुशी होती है। और जब यहां से आप लौटे 6-7 दिन पश्चात, जब घर में गए तो आपने देखा कि कोई काम बिगड़ गया है, कहीं नुकसान हो गया है या कुछ और गलत काम हो गया है, उसको देख करके आपको गुस्सा आ गया, आप क्रोध करने लगे, गाली देने लगे, बकबक करने लगे, तो घर वाले कहेंगे साहब लोगों ने यही बताया है क्या सत्संग में, आपकी बदनामी, हमारी बदनामी, संतों की बदनामी। लेकिन जब आप घर में गए, देखा कि नुकसान बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा काम बिगड़ गया है, शांत रह गए, प्रतिक्रिया नहीं किए, किसी ने कहा अरे एक नुकसान हो गया, आपका कोई बात नहीं, नुकसान हो गया फिर से ठीक हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी। और जितने गलती की है, जितने काम बिगाड़ा है, सामने आने पर आपने उसे प्रेम से कहा कोई बात नहीं बेटा, जो भी हो काम बिगड़ गया तुमने जानबूझकर नहीं बिगाड़ा है,
बिगड़ गया, हो गया, फिर से काम बन जाएगा। साधनी पूर्वक काम करना, तब लोगों को लगेगा कि हाँ सत्संग का जीवन में प्रभाव पड़ा, और तब और खुश हो जाएंगे वो, फिर उन्हें लगेगा कि हमें जाना चाहिए। यही है व्रत, ये सत्संग करने का फल। और परिवर्तन नहीं हुआ स्वभाव में, व्यवहार में, कर्म में, आचरण में, खान पान में, तो सत्संग का मतलब क्या होता है? केवल बदकही बन करके रह जाना है? ये सत्संग केवल बदकही की जगह नहीं है, निर्माण की जगह है, नए निर्माण जीवन का, नए ढंग से निर्माण। और नए ढंग से निर्माण का अर्थ ही होता है बुरे कर्मों का त्याग और अच्छे कर्मों का ग्रहण, दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण। वास्तविक व्रत यही है, और इसी व्रत से पाप करते हैं, और इसी व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीते जी हमारा जीवन, घर, परिवार स्वर्ग बन जाता है। बहुत सरल है, कुछ कठिन नहीं ही है, थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मा परमात्मा की बात कर लेना बहुत सरल। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं, साहब ध्यान में बैठते हैं, मन तो रुकता ही नहीं है, मन तो भागता रहता है, ठहरता ही नहीं, क्या करें, बहुत परेशान हो गए। शिकायत गलत नहीं है, मन का स्वभाव ये चंचलता, भागते रहना। तो आप ये शिकायत तो करते हैं कि मन चंचल है। लोग ये भी कहते हैं, साहब 2 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, ध्यान में बैठते बैठते मन तो रुकता ही नहीं, ठहरता नहीं, शांत होता ही नहीं, क्या करें? कभी पूछा किसी संत से, किसी गुरु से कि गुरुदेव साहब साल भर हो गया सत्संग करते करते, मेरा क्रोध नहीं छूट पा रहा है, मेरा लोभ नहीं छूट रहा है, झूठ नहीं छोड़ पा रहा, गाली नहीं छोड़ पा रहा हूँ, साहब क्या करूँ? कभी पूछा? और जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक ध्यान में मन कभी लगेगा नहीं। कारण क्या है ध्यान में मन नहीं लगने का, मन का चंचल होने का, भटकने का, दौड़ते रहने का कारण क्या है? वो कारण हम समझने की कोशिश नहीं करते, कार्य को ठीक करना चाहते। जब तक कारण ठीक नहीं होगा कार्य कभी ठीक नहीं हो सकता है। साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। अब पवित्र साधन से पवित्र साध्य की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। लगेगा कि हो सकता है, भ्रम होगा, लेकिन होगा नहीं। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, चाहे धर्म नीति का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, साध्य की पवित्रता के साथ साथ साधन की पवित्रता चाहिए। और साधन पर ध्यान ही नहीं है। साधन क्या है? सेवा, भक्ति, सत्संग, ये सब साधन तो है, लेकिन इसका परिणाम क्या होना चाहिए? मन की गंदगी का त्याग। ये मन की जो गंदगी है इनका त्याग ही व्रत है। और जब इस गंदगियां दूर हो जाएगी तो अपने आप ध्यान में मन लग जाएगा। वैसे हर स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ को 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल कर ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। एकाएक इसका लाभ पता नहीं चलेगा, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में भी पता नहीं चलेगा, लेकिन करते रहें नियमित रूप से तो 6 साल भर के पश्चात आपको लगेगा कि जीवन में अब परिवर्तन आना शुरू हो गया है। तो रोज ध्यान करें और साथ साथ
अपने जीवन को परिमार्जित करने का भी काम करते रहना होगा। यही सत्संग का फल है, यही भजन भक्ति का फल है और यही व्रत है। तो व्रत वही जो बुरे कर्म त्याग, व्रत क्या है? बुरे कर्मों का त्याग, असली व्रत। मैंने कहा था कि रोज व्रत, सुबह उठें और भीतर पर बैठ कर देखें, आज मेरा अमुक व्रत, अमुक का, लोभ का, क्रोध का, मान का, छल का, ईर्ष्या का, द्वेष का, झूठ का, गाली का, निंदा का, रोज व्रत करें और देखेंगे साल दस साल पश्चात जीवन में कितना परिवर्तन, लोगों का आश्चर्य हो जाएगा। अरे व्रत क्या हो सकता, सबको है। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। पूजा क्या है? जिसमें चेतन की पूजा की जाती है, किसी भी महापुरुष का चित्र है या उनकी मूर्ति है, उस चित्र या मूर्ति को देखने से उस महापुरुष की याद आती है, उनके त्याग तप संयम साधना जीवन की निर्मलता पवित्रता की याद आती है, मन में पवित्र भावना आ जाती है, एक प्रेरणा मिलती है, संकल्प उड़ता है मन में कि हमें भी अपना जीवन ऐसे बनाना चाहिए। चित्र मूर्ति रखने की सार्थकता इसी में है, एक प्रेरणा प्राप्त करना। लेकिन चित्र या मूर्ति प्रणाम करें तो आशीर्वाद नहीं देगा, भोग लगाएं तो खाएंगे नहीं, क्योंकि चित्र और मूर्ति को भूख प्यास नहीं लगती, उनमें जानने समझने का गुण नहीं है। जानने समझने का गुण चेतन प्राणी में है, जीवित प्रणियों में। भूख प्यास की आवश्यकता वही होती है। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, वास्तविक पूजा यह जिसमें चेतन की पूजा की जाती है। घर में बूढ़े माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, कोई रोगी दुखी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी अर्थ यह है प्रेम का, सेवा का, समता का, आदर का, सम्मान का व्यवहार, ये पूजा है। पूजा का मतलब ये नहीं है कि खाली आरती करते रहे, अगरबत्ती जला ले या फूलमाला पहला ले, ये औपचारिकता है। पूजा का मतलब है सेवा, आदर, सम्मान, बड़ों की चित आज्ञा का पालन, फिर यह हो जाएगा। मंदिर में पूजा कर लेते हैं लेकिन घर के लोगों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं कर पाते। मंदिर में पूजा करते समय मन बड़ा कोमल, सरल, विनम्र हुआ और घर में आते हैं वो सब गायब। यदि हम अपने मन को सरल, कोमल, पवित्र बना ले और पवित्र भावना मन में रखें तो हमारा घर ही मंदिर है, फिर बाहर मंदिर की आवश्यकता क्या है। तो पूजा है चेतन की पूजा। अब पूजा का मतलब काली पैर छूना, आरती करना नहीं है, किंतु भोजन पानी देना, आज्ञा मानना, सेवा करना, आदर देना, यह पूजा है। अपने लिए सोचे कि मैं क्या चाहता हूं, अपने छोटों से बड़ों से क्या चाहता हूं, बड़ों से स्नेह चाहता हूं, प्यार चाहता हूं, करुणा चाहता हूं, क्षमा भाव चाहता हूं, दया चाहता हूं, छोटों से सम्मान चाहता हूं, आदर चाहता हूं, सेवा चाहता हूं। तो प्रश्न यह है, बड़ों से हम स्नेह, करुणा, दया, क्षमा, प्रेम चाहते हैं तो क्या अपने से छोटों को ये दे पा रहे हैं? अपने से छोटों से हम सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सेवा चाहते हैं और चाहते हैं कि हम हमारे छोटे हमारी आज्ञा माने, तो जरा सोचें जो आपसे बड़े हैं क्या उनका आदर दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं? जब अपने से बड़े जो बड़े हैं आप उनका आदर सम्मान नहीं करते तो आपसे छोटे आपका आदर सम्मान कैसे करेंगे, कहाँ से सीखेंगे?
अपने से बड़ों की सेवा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बच्चे, आप अपने सास ससुर की सेवा, माता पिता सेवा की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे कि अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करनी चाहिए? सिखाएंगे कौन? आपका घर विद्यालय है, जो बाहर का विद्यालय है वो भौतिक ज्ञान सिखाता है, लेकिन जीवन निर्माण की जो कला सीखने के लिए घर आपका विद्यालय आपका घर है। आप घर में जैसे बात करेंगे, प्रेम प्रेम से बात करेंगे, बच्चे वैसे सीखेंगे। गाली देकर बात करेंगे, बच्चे वैसे सीखेंगे। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, दादा दादी हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण, उनका जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो बात व्यवहार है, वो आपके मान लो एक पढ़ाई है छोटे बच्चों के लिए, वही सीखेंगे वो। और जब वो सीख करके आपके बुढ़ापे में लौटाएंगे तब आप कहेंगे बच्चे कल जुगे निकल गए। संस्कार क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? आप चाहते हैं आदर तो बड़ों का आदर देना शुरू करें। जब आप बड़ों का आदर देना शुरू करेंगे तो उनको देख करके आपके बच्चे आपका आदर करना सीखते चले जाएंगे, फिर चाहने की आवश्यकता नहीं है। ये पूजा है और इसी पूजा की कमी सर्वत्र होती चली जा रही है। मंदिरों में भीड़ बढ़ती चली जा रही है, हर मंदिर में भीड़ बढ़ गई है और घर घर में टूटन की स्थिति आ रही है, विखंडन की स्थिति आ रही है, कलह। बहुत सारे घर ऐसे हैं जो महाभारत का अखाड़ा बना हुआ, मैदान बना हुआ है और पूजा सब कर रहे हैं घर वाले जा करके। ये झूठी पूजा काम नहीं आएगी। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, पूजा का अर्थ है जो चेतन प्राणी हैं उनकी सेवा, उनका सत्कार आदर सम्मान आज्ञा का पालन। जाप वही गुरु प्रेम न टारा। जाप क्या है? गुरु ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश प्रति प्रेम, उस जीवन में आचरण। खाली गुरु गुरु कहना जाप नहीं है, राम राम कहना, सतनाम कहना या शिव शिव कहना, ये जाप नहीं। ठीक है ये भी करें, लेकिन वास्तविक जाप है संत और गुरु जो इष्ट है उनके लिए निरंतर प्रेम भावना भक्ति मन में बने रहना। जितना जितना अपने इष्ट के लिए प्रेम बना होगा, श्रद्धा बनी होगी, भक्ति भावना बनी होगी, उतना उतना उनके ज्ञान का स्मरण होता जाएगा और जीवन बदलता चला जाएगा। ये जाप है। गुरु ने जो उपदेश दिया, रास्ता बताया, मनन करना है, चलना है, बस जाप हो, जाप तो हो ही रहा है। हम रटने मात्र को जाप मान लेते हैं और रटते रटते तो जिंदगी बीत जाती है, रटने मात्र से अनुभव नहीं होगा। धन धन कहने से कोई धनवान नहीं हो जाएगा, भोजन भोजन कहने से भूख दूर नहीं होगी, ऐसे राम राम कहने से राम का अनुभव नहीं होगा, मैं आत्मा हूँ, चेतन जी हूँ ये कहने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। उस भाव को समझना होगा और भाव के अनुसार से मन बनाना होगा, तब ये वास्तविक जाप होगा। तो थोड़ी सी चर्चा मैंने की, ये चर्चा शुरू की चर्चा है, लेकिन इस चर्चा की जा सकता आखिर तक है। हमारे मन में जो विकार हैं, और विकार आने संभावना हर समय रहती है, कभी भी विकार यदि हम सावधान नहीं है तो कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण विकार आ सकते हैं। निरंतर सावधानी का आ सकता है, निरंतर सावधानी, सावधानी ही साधना है, ये बात अनेक बार हम सुन चुके हैं। फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिनी डेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है, मेरे साधुगुरु कबीर कहते हैं। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाएं सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, निरंतर जागरूकता, निरंतर हो समाज में जीना, ये सावधानी है। जब ऐसी सावधानी होगी तो मन में विकार नहीं आएगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, सद्गुरु कबीर की जो साधना है समाधि, उसके लिए एक होती है सहज समाधि और एक होती है सहज साधना। जब हम इस एकांत में स्थिर आसन से बैठते हैं और मन को देखते हैं, मन का दृष्टा बन करके मन के सारे विकारों को छोड़ देते हैं, कोई आलंबन नहीं है मन में, कोई चिंतन, कोई संकल्प, कोई स्मरण नहीं है मन में,
मन पूरी तरह शांत हो गया है तो सहज समाधि है, क्योंकि मन शांत है, कोई विचार चिंतन नहीं है, तो कोई पकड़ नहीं है, कोई आलंबन नहीं है, वो सहज समाधि है। ऐसे जो सहज समाधि होती है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा की होती है, जो सिद्ध पुरुष हैं साधना परायण, वो दो चार घंटा भी रह सकते हैं। बाकी तो जीवन का व्यवहार सबके साथ है, खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, इसके लिए चाहिए सहज साधना। और सहज साधना क्या है? सहज साधना का वह अर्थ है वह साधना जो खाते पीते चलते फिरते काम धंधा करते नहाते धोते कपड़ा लगाते धोते झाड़ू लगाते सब समय जो हो सकती है, सब जगह हो सकती है, वो साधना है सहज साधना। खेत में, खलिहान में, दफ्तर, कारखाना में, कहीं भी हो, वो सहज साधना है। और सहज साधना क्या है? निरंतर अपने मन के विचारों पर निगरानी रखना कि मेरा मन कहीं गलत तो नहीं सोच रहा है, क्या सोच रहा है मन। जैसे कोई गलत चिंतन मन में जाए, तुरंत ग्लानी करके उसे छोड़ देना, उसे ज्ञान, विवेक, विचार, प्रेम, भक्ति, आत्मा का चिंतन करना, ये सहज साधना है। जब ये सहज साधना हो जाती है, इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, उठत बैठत कबुन छूटे ऐसी तारी लागी, शब्द निरंतर मन मारा आता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबुन छूटे ऐसी तारी लागी। जब मन में कोई विकार नहीं रह गया तो उड़ते बैठते खाते पीते काम धंधा करते कभी नहीं छूटती ऐसी तारी, ऐसी समाधि लग गई। और यदि जिसके जीवन में ये समाधि आ गई, निरंतर मन को देख करके शुद्ध कर लिया, वो कृतार्थ हो गया, जीवन सफल हो गया। उसी के लिए हमें सारा प्रयास करना है। ये अरे साधना तब पूरी होगी जब निरंतर हम आत्मशोधन करते जाएंगे, आत्मशोधन एकांत में बैठे और निरंतर अपने गुण दोषों पर चिंतन करते हुए दोषों के त्याग के लिए संकल्प, दोषों के लिए ग्लानी और त्यागने के संकल्प, और जो सद्गुण हैं, अच्छाइयां हैं, उनको ग्रहण करने के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्रत, लगन, उत्साह, समर्पण, निरंतर ऐसा करते करते मन मजे का परमार्जित होगा, शांत रहेगा, चंचलता मिट जाएगी। और जब चंचलता मिट के ध्यान लग गया और परमानंद परम शांति का अनुभव हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। और आत्मा साक्षात्कार ही जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, तो आत्मशोधन से ही आत्मा साक्षात्कार होगा। और दोनों के लिए प्रेरणा मिलेगी सत्संग में, संतों की संगति में। इसी के लिए जगह जगह सत्संग का आयोजन किया जाता है। कबीर पारा संस्थान के 45वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ये 3 दिनों सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जो कुछ हम सब लोगों ने सुना, समझा, कहा, और सबका फल होगा, दोस्तों पर ग्लानी करके सद्गुणों के ग्रहण करने के दृढ़ संकल्प करें, आत्मशोधन करें, और मन को बाहर से घुमा करके आत्मलीन करें, निरंतर देखते रह जाएं, ताकि मन गलत सोचना बंद करके केवल शुद्ध आत्मभाव का चिंतन करें, बाहर का चिंतन करें। और जब ऐसा होगा, सब क्लेश, सब दुख, सब पीड़ा समाप्त, और मानव जीवन हमारे कृतार्थ हो जाएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अनेक अनेक शुभकामनाएं। अपने वाणी को विराम।